एक और गुजरात और राजस्थान में तेज बारिश हो रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश से बिहार तक भीषण गर्मी का कहर जारी है। दोनों राज्यों में हीट वेव मौत बनकर टूटी है। जहां यूपी के बलिया में बीते 4 दिन में 57 लोगों ने दम तोड़ा है तो वहीं बिहार में 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हुई है। इसमें पटना में अकेले 35 की जान चली गई है। यूपी में मौत की वजह पता लगाने के लिए लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बलिया पहुंच गई। इस बीच देश के 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बलिया के जिला अस्पताल में भले ही 4 दिनों में 57 लोगों की जान गई हो, 15 जून को जिला अस्पताल में 154 मरीज भर्ती किए गए। इनमें 23 की अलग अलग वजहों से मौत हो गई, जबकि 20 की मौत 16 जून को हुई थी। वहीं 11 की मौत 17 जून को हुई। रविवार को 3 मरीजों की मौत हुई। बिहार में 22 जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव का कहर जारी है। बिहार में भी गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में हीट वेव से 44 मरीजों की मौत हुई है। इसमें पटना में पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की जान चली गई है, जबकि अन्य जिलों में 9 लोगों की मौत हुई है। बेगूसराय, सासाराम और नवादा में 2-2 लोगों की मौत हुई है, जबकि भोजपुर और औरंगाबाद में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। मौसम विभाग ने 19 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। सरकार ने लोगों को दोपहर के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बहुत अधिक लू चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं विदर्भ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना में अगले 3 दिन तक हीट वेव की स्थिति जारी रहने की आशंका है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन तक हीट वेव जारी रहने की संभावना है।